और आपके साथ मैं हूं फराह खान। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा को उड़ीसा के पुरी से टिकट दिया गया है। सूची में 23 उम्मीदवार आंध्र प्रदेश के हैं, जहां पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के 6 उम्मीदवार शामिल हैं। इसमें कल ही बीजेपी में शामिल होने वाली एनसीपी की प्रदेश उपाध्यक्ष भारती पवार का नाम भी शामिल है। उन्हें डिंडोरी से टिकट दिया गया है। ओडिशा के 5 उम्मीदवारों का इस लिस्ट में नाम है। इस लिस्ट में असम और मेघालय के लिए भी एक एक नाम है। वर्तमान अध्यक्ष बसंत पांडा जी, हमारे उड़ीसा के ही नेता सुरेश पुजारी जी और हमारे प्रवक्ता संबित पात्रा जी, इनके नाम उसमें जुड़े हैं जिनको हम लोगों ने जारी किया है। और कल परसों में फिर और भी जो जिनके नॉमिनेशंस फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में हैं वो हम क्लियर करेंगे। हमारी कोशिश है कि समय पर सारी लिस्ट निकल जाए ताकि कैंडिडेट्स अपना नामांकन पत्र समय पर भर सकें। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, ये जो लिस्ट जारी हुई है, सबकी नजरें संबित पात्रा पे हैं जिन्हें पुरी से टिकट दिया गया है, कैसे देखा जाए समीकरण को? देखिए, बिल्कुल, पुरी की सीट काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी ने इस बार संबित पात्रा को टिकट दिया है। निश्चित तौर पर पार्टी का रुख वो सामने रखते रहे हैं लंबे समय से मीडिया पर, और पार्टी को उम्मीद है कि उनकी जो पहचान बनी है उसके आधार पर कुछ क्षेत्र में भी अपनी सीट निकालने में कामयाब रहेंगे। और पुरी, उड़ीसा और बंगाल, ये ऐसी उन राज्यों में से है जिनमें बीजेपी इस बार ज्यादा मेहनत कर रही है, जहाँ 2014 में मोदी लहर के बावजूद भी बीजेपी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी। तो इस बार जो बीजेपी ने पिछले पास 4.5 सालों में सबसे ज्यादा मेहनत उन राज्यों में की जहां पर बीजेपी ने 2014 में ज्यादा सीट नहीं जीती, उड़ीसा भी उनमें से एक है। और अब अपने बड़े प्रवक्ता को उतार करके बीजेपी ने कोशिश की वहां पर भी पूरी ऐसी सीट को निकाल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका।